नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के सातों बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी जब भी भाभियाँ या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये मुझे कहते हैं, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना, जब वो तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, शोभा धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, सात समंदर पार सोना धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, शोभा धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। छह बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु सातवां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया। तो वह वहाँ आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार शोभा धोबन के गांव में छोड़ आते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उस गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़े? तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा, कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली,
आप नहीं करती? हमें तो लगा हमारे उठने से पहले ही आप घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया और वो रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर सारा मेरे घर का काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढ कर शादी की तारीख पक्की होती है। सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वो वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प